आफ्टरनून क्लास फिर तभी हम लोग एक्सरसाइज 6D का क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं, एक्सपेंड करना है। तो इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर की हमारी आइडेंटिटी लगेगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। ए स्क्वायर दैट मीन्स 8A² प्लस बी स्क्वायर दैट मीन्स 3B² प्लस 2AB। 8 8 = 64A² 3 3 = 9B² प्लस 2 8 = 16 3 3 = 48A B हमारा ये आंसर हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 में 3x/4 प्लस 2y/9 का होल स्क्वायर, इसमें भी वही ए प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। ए स्क्वायर की वैल्यू 3x + 4 का स्क्वायर, बी स्क्वायर की वैल्यू 2y/9 का स्क्वायर प्लस 2A एंड B। ए का मतलब 3x/4, बी का मतलब 2y/9। अब यहाँ पर देखिए ए का स्क्वायर 3 3 = 9, 4 4 = 16 एक्स का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, 2 2 = 4, 9 9 = 81 वाई का स्क्वायर प्लस 2AB। नहीं, 3 3 = 9 कैंसिल हो गया, 2 2 = 4 कैंसिल हो गया, इस 2 से A2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हमारा सेम आ जाएगा 9x² / 16 प्लस 4y² / 81 प्लस 2 आपका कैंसिल ही है, तो xy/3 यानी कि 1/3xy भी इसको कह सकते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 में प्रोडक्ट निकालना हुआ है, इस यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 2x + 5 2x - 5, यानी a प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगेगी। a प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी यहाँ पर a की वैल्यू 2x है और b की वैल्यू 5 है। हम रखेंगे यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 2x² - 5² 2x² कितना हो जाएगा 4x², 5² कितना हो जाएगा 25, 4x² - 25 भी हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन में x + 1/x x - 1/x, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की एंट्री, ए स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 1/x² x² का x² हो जाएगा एंड 1/x का होल स्क्वायर हो जाएगा 1/x², यानी x² - 1/x² ये हमारा आंसर हो जाएगा। थैंक यू।